दोस्तों, ये हमारे सरसों खेत, वो आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतना हरा भरा क्यों है? इसके पीछे कारण बहुत बड़ा है, तो नहीं होता है। आपको हम नजदीक जा करके बताएंगे। अभी ये देखो, यहाँ पर इतना बथुआ है, इतना खरपतवार है कि क्या करे, इसको नींदे भी तो काम तक, इसलिए इतना हरा भरा लग रहा है, नहीं तो यह है नहीं वैसे तो। अरे यार, ये देखो भथुओं के बीच में एक सरसों का पेड़, कितना अन्याय हो रहा है इसके साथ। और अभी हम जा रहे हैं इस ये सफेद सबेसे के पास, तो ये हमारा बजूका इसको देसी भाषा में बजूका कहते हैं, यानी कि नीलगाय होती है रोजड़ा उसको भगाने के लिए। आजकल तो रोजड़े पर समझदार हो गए, साले भागते नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये देखो कट्टा है सरसों का, इसको लकड़ी गाड़ कर ऐसे टाक दिया। और भी है, एक वहां पर है, एक वहां पर है, एक वहां पर है, ऐसे है, एक वहां पर और है। क्या पता इनसे रोज रोज भागते भी या अभी नहीं भी भागते, पता नहीं। वो भी समझदार है, आजकल तो डिजिटल जमाना आ गया, समझदार हो गए सब। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश। और अभी चलते हैं इधर को, हमारा बुआजी का खेती भी है इधर को देखो, उसने अभी तक छोटी है। ये रहा, इसमें बाद में वाई थी, अभी छोटी है, इससे पहले इसमें वाई थी, इसमें थोड़ी बड़ी है। और ये लाइन जो जयपुर जा रही है, बहुत 7,65,000 वोल्टेज वाली लाइन है, खतरनाक। इसके तार ही पड़ पड़ आवाज बोलते हैं, चढ़ मड़ करते रहते हैं सार। रोजड़ों की रुखाड़ी के लिए क्या, ये कूचे का पेड़ उसमें डूब जाते हैं, इससे बचने के लिए हमने कूचे में आग लगा दी, लेकिन बहुत जले नहीं। कचरा सिया दिन रंग जाए, तेरी कसूरी रैन लगाए, मदन मन मस्त मगन बस तेरा नारा, मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नारा। ये देखो ऐसे जला दिए कूचे, लेकिन उसमें पत्ते पत्ते होते हैं, बहुत जल गए, उसको पानी बोलते हैं। और ये बजूक है, ये अभी तक खड़े है, ये बड़े ही नहीं हरे थे इसलिए। और बहुत पेड़ इसमें डूबे रहते हैं, रात को खा जाते हैं सरसों को। बगल में सबसे पहले हमने बाई थी सरसों, अभी तक लगभग एक महीने के लगभग हो गई, और इसमें घास पैदा है। अगर कोई भाई बतुए की हरी सब्जी खाना चाहता है तो बिल्कुल यहाँ आ सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं है, बिल्कुल आओ और हरी सब्जी खाओ और आयरन की मात्रा बढ़ाओ। ये देखो भाई, चारों ओर ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है, बिल्कुल क्या सीन है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, बाय बाय सभी को।